हेलो डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। सो आज हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम 2D शेप्स के बारे में पढ़ेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था मेंसुरेशन में हमने पढ़ा था 2D और 3D शेप्स के बारे में। 2D और 3D शेप्स के बारे में हमने पढ़ा था और उसमें हमने पढ़ा था एरिया और पेरीमीटर क्या होता है। अब हम आज मैं आपको पढ़ाऊंगी 2D शेप्स के बारे में कि 2D शेप्स में जो हमने पढ़ा था इसमें स्क्वेयर आते हैं, रेक्टेंगल आता है, हमारे क्वाड्रिलेटर्स आता है, ट्राइंगल आता है। अभी हम स्टार्ट करेंगे आज स्क्वेयर से। स्क्वेयर जो हमारे पास 2D शेप्स में आती है, तो स्क्वेयर हमारे पास क्या होता है? स्क्वेयर हमारे पास एक ऐसी फिगर होती है जिसमें सारी साइड्स जो है इक्वल होती हैं। तो हम इसे लिखेंगे अ फोर साइडेड फिगर हूज ऑल साइड्स आर इक्वल। तो स्क्वेयर हमारे पास एक ऐसी फिगर होती है जिसमें हमारी साइड्स इक्वल होती है। जैसे ये आपका स्क्वेयर है, मैं इसका नाम रखती हूँ ए बी सी एंड डी। तो इसमें हमारे पास कितनी साइड्स आई? 1, 2, 3 एंड 4। और ये सारी साइड्स हमारे पास जो है वो इक्वल होंगी। अगर फॉर एग्जांपल ये 2 यूनिट्स है, ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा और ये भी 2 होगा। तो ये हमारे पास हमारा स्क्वेयर है कि जिसमें हमारे पास सारी साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। अब हम स्क्वेयर की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कि प्रॉपर्टीज जो होती हैं स्क्वेयर की वो क्या क्या है। नंबर फर्स्ट जो हमारे पास इसमें प्रॉपर्टी जो आती है, ईच एंगल जो हमारा स्क्वेयर का हमारे पास होता है वो 90 डिग्री के बराबर होता है। ईच एंगल यानी एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, हर एंगल जो है वो 90 डिग्री के बराबर होगा और सारे एंगल जो है इक्वल होते हैं। तो हम लिखेंगे ईच एंगल ऑफ स्क्वेयर इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो पहला पॉइंट, पहली प्रॉपर्टी जो हमारे पास ये आ गई कि हर एंगल जो है वो 90 डिग्री के बराबर होगा। और सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास होगी जब हम क्या करेंगे, जो इंटीरियर एंगल्स हमारे पास है इनका जब हम सम करेंगे तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स जो है वो हमारे पास होगा 360 डिग्री के बराबर। यानी ये 90 होगा, ये भी 90, ये भी 90 और फोर्थ वन जो है ये भी 90 होगा। जब हम सबका सम करेंगे तो ये सारा 360 डिग्री के बराबर आएगा। तो सेकंड पॉइंट हम लिखेंगे सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ स्क्वेयर इज 360 डिग्री। यानी इन सब का सम जो होता है वो 360 डिग्री के बराबर होता है जब इनके इंटीरियर एंगल्स का सम हम करेंगे। थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास आती है कि जो हमारे पास हमारा स्क्वेयर है, ये हमारे पास स्क्वेयर है, स्क्वेयर में हमारे पास आते हैं दो डायगोनल्स और वो दोनों डायगोनल्स हमारे पास होते हैं इक्वल। अभी मैंने यहाँ पे स्क्वेयर बनाया ए बी सी डी। अब डायगोनल होता क्या है? डायगोनल हमारे पास क्या होता है? देखो जी, ये हमारे पास हमारे वर्टिसेस हैं, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी, ये हमारे वर्टिसेस है। जब अपोजिट वर्टिसेस को ड्रॉ करके जो लाइन हम मैंने बनाई है ना, ये हमारे पास डायगोनल है। तो देखो एसी भी हमारे पास डायगोनल आ गया और बीडी ये भी हमारे पास क्या आ गया? डायगोनल। तो कितने डायगोनल बन गए? दो डायगोनल, एक डायगोनल एसी बना और दूसरा बीडी हमारे पास डायगोनल बन गया और ये दोनों डायगोनल हमारे पास जो होंगे वो इक्वल होंगे। तो थर्ड प्रॉपर्टी जो है वो मैं ये लिखूंगी, अ स्क्वायर हैज टू इक्वल डायगोनल्स। यानी स्क्वेयर के डायगोनल्स जो है वो दो बनते हैं और दोनों हमारे पास इक्वल होते हैं। और फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास ये होती है कि ये जो डायगोनल्स हमारे पास है ए सी और ये बी डी जो है, देखो ये यहाँ पे मीट कर रहे हैं ना दोनों डायगोनल्स, मैं इसका नाम रखूंगी ओ। अब ये डायगोनल जो मीट कर रहे हैं ना, तो ये हमारे पास होते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। परपेंडिकुलर का मतलब पहले बाइसेक्ट, देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? ये बाइसेक्ट करेंगे दोनों डायगोनल्स आपस में। यानी कि AO जो होगा वो OC के बराबर होगा, OB जो होगा वो OD के बराबर होगा। यानी कि बराबर दो हिस्से में कटते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब कि ये बाइसेक्ट करते हैं, जो एंगल यहाँ पे बनाते हैं ना वो 90 डिग्री का बनाते हैं। तो ये आ गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। यानी जो हमारे पास हमारे डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट करेंगे और एंगल जो बनेगा वो 90 डिग्री के बराबर बनेगा। तो फोर्थ प्रॉपर्टी भी इसमें लिखूंगी, डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर
आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जो डायगोनल्स हमारे पास स्क्वायर के होते हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। फिर से मैं रिपीट करूंगी, डायगोनल्स हमारे पास एसी है, बीडी है, ये एसी और बीडी जो है, ये जो डायगोनल्स है ये एक दूसरे को बराबर दो हिस्से में काटते हैं और जो एंगल हमारे पास बनता है वो बनता है 90 डिग्री का एंगल। तो ये था आपका स्क्वायर एसी फिगर, जिसमें हमारे पास सारी साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है और हर एंगल जो होता है ईच एंगल 90 डिग्री के बराबर होता है। इंटीरियर एंगल्स का सम जब हम करते हैं वो 360 डिग्री के बराबर आता है। इसमें दो डायगोनल्स बनते हैं और दोनों डायगोनल्स जो होते हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। तो ये था स्क्वायर और स्क्वायर की प्रॉपर्टीज। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। अब बात आती है एरिया और स्क्वायर की। एरिया जो हमारे पास होता है स्क्वायर का क्या होता है और पेरीमीटर जो है स्क्वायर का क्या होता है। एरिया ऑफ स्क्वायर जो हमारे पास होता है, एरिया ऑफ अ स्क्वायर, एरिया ऑफ अ स्क्वायर हमारे पास होता है साइड का स्क्वायर। इसका मतलब होता है कि साइड को मल्टीप्लाई करना है साइड के साथ। ये अगर आपके पास आपका स्क्वायर है, ये नाम है इसका ए बी सी डी, अगर इसकी एक साइड जो है वो सपोज टू है, टू यूनिट्स हैं, ये भी टू आएगा, ये भी टू आएगा, ये भी टू आएगा, जो अभी हमने पढ़ा कि स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो किसके बराबर आएगा, अगर हम यहाँ से देखेंगे फिगर से साइड कितनी है टू, तो मल्टीप्लाई किसके साथ करना है साइड के साथ, तो टू के साथ, वो कितना आएगा, टू टू ज़ार फोर, यानी फोर यूनिट जो है आपका एरिया आ गया। सेकेंड वन जो है आपके पास वो है पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। तो स्क्वायर का पेरीमीटर जो होता है वो किसके बराबर होता है, वो होता है फोर इंटू साइड। मैंने कहा था आपको कि पेरीमीटर हम निकालते हैं लेंथ ऑफ बाउंड्री, तो बाउंड्री की लेंथ है ना, या सम ऑफ ऑल साइड्स हम कर देंगे तो किसके बराबर आएगा, टू प्लस टू प्लस टू प्लस टू, वो किसके बराबर आएगा, टू प्लस टू फोर, या आएगा एट, यानी कि एट यूनिट्स के बराबर। अभी आपको याद रखना है ये फॉर्मूला, आप याद रखेंगे स्क्वायर का और ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे पेरीमीटर का, जो क्या है एरिया ऑफ स्क्वायर और एरिया ऑफ पेरीमीटर। ये मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे बताया कि किस तरह से हम जो है स्क्वायर का एरिया और पेरीमीटर जो है स्क्वायर का वो निकालेंगे। तो ये था आपके पास टू डी शेप स्क्वायर जो है उसके बारे में। अब हम पढ़ेंगे रेक्टेंगल के बारे में। तो सेकेंड फिगर जो आपके पास है टू डी शेप में वो आता है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल हमारे पास कौन सी फिगर होती है, ये भी हमारे पास फोर साइडेड फिगर होती है, लेकिन ऑल साइड्स में इक्वल नहीं होते, इसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। तो मैं लिखूंगी इसको अ फोर साइडेड फिगर हूज अपोजिट साइड्स आर इक्वल, जिसमें अपोजिट साइड्स जो है वो इक्वल होती हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगी, ये है आपके रेक्टेंगल, ये नाम रखेंगे ए बी सी एंड डी, ठीक। अगर ये आपके पास आपका थ्री यूनिट्स है, ये आपके पास आपका टू यूनिट्स, ठीक। तो ये क्या, ये थ्री होगा ना, ये साइड और ये साइड अपोजिट है, ये थ्री है इसका मतलब ये भी थ्री होगा, ये टू है इसका मतलब ये भी टू होगा, यानी कि इसके अपोजिट साइड जो है वो क्या होती है, बराबर होती है। अब इसमें भी हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी हमारे पास बिल्कुल सेम स्क्वायर की जैसे हमने पढ़ी कि ईच एंगल इसका रेक्टेंगल का जो होता है वो किसके बराबर होता है, 90 डिग्री के बराबर। ये पहली प्रॉपर्टी हम लिखेंगे ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी हर एंगल, हर एक एंगल जो है वो 90 डिग्री के बराबर होगा। दूसरी प्रॉपर्टी भी बिल्कुल सेम कि हमने पढ़ा कि सम ऑफ एंगल्स, जो इंटीरियर एंगल्स का हम सम करेंगे वो हमारे पास किसके बराबर होगा, 360 डिग्री के बराबर, जिस तरह से स्क्वायर में था।
तो सेकंड प्रॉपर्टी हम लिखेंगे सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब देखो तीसरी प्रॉपर्टी हमें पढ़ी थी डायगोनल्स की। अब डायगोनल्स आपको समझ आ गया होगा, डायगोनल्स किसको बोलते हैं, अपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करके जो हमारे पास लाइन बनती है, ठीक है, वो हमारे पास होते हैं डायगोनल्स। तो इसमें भी कितने डायगोनल्स हमारे पास बने, दो, एसी और बीडी, और ये डायगोनल्स भी हमारे पास इक्वल ही होते हैं। तो तीसरी प्रॉपर्टी हम लिखेंगे अ रेक्टेंगल हैज टू डायगोनल्स, टू इक्वल डायगोनल्स, ठीक है, दो डायगोनल्स होते हैं और दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और फोर्थ प्रॉपर्टी जो है वो हम क्या लिखेंगे कि ये दो डायगोनल्स जो हमारे पास होते हैं ये क्या है, ये भी बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। देखो स्क्वायर के केस में हमने पढ़ा था कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, लेकिन इस केस में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं होगा, एंगल जो है वो 90 डिग्री का नहीं बनेगा, बल्कि जो हमारे पास हमारे डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे बराबर दो हिस्से में। अगर ये आपके पास ओ है तो ए ओ जो होगा वो ओ सी के बराबर होगा और ओ बी जो है वो ओ डी के इक्वल होगा, लेकिन 90 डिग्री का एंगल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं होते हैं। तो फोर्थ प्रॉपर्टी हम लिखेंगे डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर। तो ये था हमारे पास हमारा रेक्टेंगल जिसमें हमने पढ़ा कि ये फोर साइडेड फिगर होता है, इसमें अपोजिट साइड्स जो है वो इक्वल होती हैं। प्रॉपर्टीज इसमें भी हमने चार पढ़ी, ईच एंगल 90 डिग्री के बराबर होता है, ईच एंगल 90 डिग्री के बराबर होता है, और इंटीरियर एंगल जो हमारे पास होता है वो होता है 360 के बराबर। सम जब हम करेंगे इसके भी दो डायगोनल्स बनते हैं और डायगोनल्स हमारे पास क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। अब हमारे पास इसमें बचता है एरिया और पेरीमीटर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल बराबर होता है, देखो जी ये है आपका रेक्टेंगल जिसका नाम रखा मैंने ए बी सी और डी, ये जो है इसको हम बोलते हैं लेंथ और ये आपके पास आती है ब्रेड्थ, लंबाई और चौड़ाई, ठीक। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम लेते हैं लेंथ मल्टीप्लाइड बाई ब्रेड्थ, और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लेंथ को हम एल लिखते हैं और ब्रेड्थ को बी, ठीक। इसमें भी आप एग्जांपल ले लो, अगर ये 3 यूनिट्स है, ये हमारे पास 2 यूनिट्स का है, तो हम क्या करेंगे, लेंथ कितनी है 3 और ब्रेड्थ कितनी है 2, तो वो कितना आएगा 3 × 2 = 6 यूनिट्स के बराबर हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ गया, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप इसमें याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। तो पेरीमीटर रेक्टेंगल का जो होता है वो होता है ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ के बराबर। ट्वाइस लेंथ मतलब ये फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है। तो इसमें हम टू जो फॉर्मूले का है वो 2 में ऐड करूंगी, लेंथ कितनी है 3 प्लस ब्रेड्थ 2, वो कितना आएगा 2, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे 3 + 2 = 5, 5 × 2 = 10, तो ये 10 यूनिट्स के बराबर आएगा, ठीक। तो ये था एरिया और पेरीमीटर रेक्टेंगल का। कंफ्यूज नहीं होना, ये ट्वाइस लेंथ ब्रेथ हमने तो पीछे पढ़ा था कि सम ऑफ ऑल साइड्स जब हम करते तो तब पेरीमीटर हमारे पास निकलता है, ये बिल्कुल ठीक है। देखो ये आपके पास कितना 3, ये भी 3, ये भी 2, ये आपके पास लेंथ है ना, तो इस साइड भी आपके पास क्या है, लेंथ ही होगी। ये ब्रेथ है तो ये भी क्या है, ब्रेथ। करो सम टोटल, ये लेंथ है ना, सम ऑफ ऑल साइड्स प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेड। देखो लेंथ कितनी आ गई आपके पास 2 लेंथ, ब्रेड कितनी आ गई प्लस ट्वाइस ब्रेड, 2 क्या है दोनों में कॉमन है, अंदर आ जाएगा एल प्लस बी। तो इस यहीं से जो हमारे पास सम जो है हमारे पास हमारे सम ऑफ ऑल साइड से इसी से ये फॉर्मूला जो है वो बनता है। तो ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। तो आज हमने जो है वो पढ़ा 2D शेप्स के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा स्क्वायर और रेक्टेंगल के बारे में हमने पढ़ा। होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ आप लाइक और शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।